भारी बारिश के चलते बाल्द नदी के तांडव ने एक बार फिर तबाही मचा दी। झाड़माजरी का शमशान घाट भी नदी की भेंट चढ़ गया। आज सुबह करीब 4 बजे बाल्द का पानी इस घाट को ही निकल गया। यहीं पर बीती साय 14 वर्षीय एक लड़की का दाह संस्कार किया गया था और आज सुबह उसके परिजन जब घाट में अस्थियों को एकत्रित करने पहुंचे तो शमशान घाट ही वहां नहीं था। घटना सुना बताना चाहूंगा आपको। कल शाम को एक 14 वर्षीय लड़की पंजाब के हुशियारपुर की, उसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। पुंजाल में वो परिवार रहता है। कल शाम को इस शमशान घाट में वो दाह संस्कार करके गई, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो सुबह आज उसकी अस्थियाँ लेने शमशान घाट पहुँचे तो उनको वहाँ पर वो शमशान घाट मिला नहीं, अस्थियाँ भी उस पर बहुत दुख होता है। हमारी टीम ने, मेरे गांव के वासियों ने, मेरे साथियों ने, प्रधान जी ने, कुलदीप जी ने, अन्य सभी लोगों ने इस शमशान घाट को बनाने के लिए कम से कम 10-15 साल से ये शमशान घाट यहाँ पर है। 2011 में हमने सबसे पहले इसमें एक छातीपुरा के व्यक्ति का दाह संस्कार किया था और लोग बाहर से आकर बातें करते थे कि इतना बढ़िया शमशान घाट बना है, लोगों ने बनाया है, ये भी एक शमशान घाट है, इलाके के लिए मिसाल थी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शमशान घाट आज हमारे लिए एक इतिहास बन के रह गया है।